हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजनेट प्रो पे। दोस्तों आज फिर आप सभी के लिए एक और धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम आपको 2012 से लेके 2022 तक मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। हायर एजुकेशन में, रिसर्च में और कम्युनिकेशन में 15 ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा, डिट्टो कॉपी जो रिपीट हुए हैं जी। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको लाइव प्रूफ आज मैं दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो देख के आप हैरान रह जाएंगे और आपका 2023 का एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाली है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना जी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हायर एजुकेशन के अंदर जो हमारे मुख्य आयोग हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। और इसमें देखिए, जो एक हमारा क्वेश्चन आता है कोठारी आयोग का, कोठारी आयोग से बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं भर भर के। ये देखिए, ये हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आया था 2018 के अंदर और इन्होंने पूछा हुआ है कि 10+2+3 की जो संरचना है वो किसकी सिफारिश पर दी गई थी। तो ये दोस्तों कोठारी आयोग इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं यही क्वेश्चन हमारा किस तरह से रिपीट हुआ है कोठारी आयोग से। ये देखिए 2018 में रिपीट हुआ है, डीएस कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी जी। तो ये हमारा कोठारी आयोग से रिलेटेड आ गया। और उसके बाद में फिर है दोस्तों हमारा शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास से संबंधित रिपोर्ट किसने दी थी, ये हमें बताना है जी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है, ऑप्शन 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोठारी आयोग ये आंसर दिया हुआ है। और आगे देखते हैं दोस्तों, ये फिर 2019 में फिर से आया है और नहीं, ये तो हमने कर लिया, अभी करके आए हैं जी। आगे हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित किस समिति आयोग की अनुशंसा का परिणाम थी जी, ये हमें बताना। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, कोठारी आयोग है। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से भर भर के एक ही क्वेश्चन हमारा बार बार एक टॉपिक से पूछा जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, विज्ञान शिक्षा एवं शोध को उच्च प्राथमिकता प्राप्त होनी चाहिए, किसने कहा था, ये किसने कहा था दोस्तों, कोठारी आयोग ने कहा था। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से हमारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय आय का एक निश्चित प्रतिशत निवेश करने की अनुशंसा की थी, वो कितना प्रतिशत था दोस्तों, वो 6% था जी। और आगे हम देखें दोस्तों इससे किस तरह से रिपीट हुए हमारे क्वेश्चन। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में उपशीर्षक राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा दिया गया था, ये किस में दिया गया था, कोठारी आयोग में ये हमारा दिया गया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों एक टॉपिक से भर भर के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। और आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए फिर से हमारा आ गया है, ये हमें जो समितियाँ हैं समूह, इनको कालक्रम के अनुसार लगाना है, सिक्वेंस में हमें लगाना है। तो इसमें सिक्वेंस में देखिए सबसे पहले क्या आएगा, हमारा राधा कृष्ण आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं राधा कृष्ण। और उसके बाद में आ गया हमारा मुदालियर आयोग आ गया, और उसके बाद में हमारा कोठारी आयोग आ गया। कोठारी आयोग हर बार एग्जाम में आ रहा है जी। और उसके बाद में और हमारे ऐसे कौन से आयोग है जो एग्जाम में आ रहे हैं, अभी मैं आपको 2022 के क्वेश्चन भी दिखाने वाला हूं जो 2022 में आए हैं। ये देखिए आगे फिर क्या है, ये दिसंबर 2018 में अगला कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है उसके अंदर देखते हैं हम। ये है डीएस डॉक्टर एस राधा कृष्ण। देखिए वर्ष 1948 में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की पुनर्रचना के लिए किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और इससे रिलेटेड हमारे आगे ऐसे क्वेश्चन आए, ये देखिए दोस्तों ये हमारा 2022 का क्वेश्चन पेपर आ गया है, 10 अक्टूबर 2022 को ये पेपर हुआ है, आप देख लेना पीडीएफ डाउनलोड करके आपको पता चल जाएगा। उसमें क्वेश्चन आया हुआ है हमारा राधा कृष्ण कमीशन से, हमारा ये देखिए स्टेटमेंट 1 में और स्टेटमेंट 2 में भी राधा कृष्ण कमीशन के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे ये देखिए 10 अक्टूबर 2022 को फिर से इन्होंने पूछ लिया यहाँ पे डॉक्टर एस राधा कृष्ण जी। अब ये देखिए ये वही है ना, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन नवम्बर 1948 अपॉइंट यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, ये देखो दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। और ये देखिए दोबारा से फिर से हमारा 14 अक्टूबर 2022 को फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये देखिए इसका राइट आंसर क्या है, राधा कृष्ण कमीशन आयोग इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब दोबारा से फिर ये देखिए 29 अक्टूबर 2022 को फिर से रिपीट हुआ है हमारा राधा कृष्ण कमीशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों स्टेटमेंट 1 में यहाँ पे दिया हुआ है। और दोस्तों अगर आप ये सारे के सारे अच्छे से कर लेते हैं आपको ये पता चल जाता है कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार बार
बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं तो पहली बार में ही आपका नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है। और इसके साथ साथ दोस्तों हमने यहाँ पे नोट्स भी बना रखे क्वेश्चन के साथ साथ में, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमुख आयोग राधा कृष्ण आयोग ये कब बना था, इसकी क्या क्या अनुशंसा इसने दी थी, क्या क्या काम किया था, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बता रखी है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं डीएस दौलत सिंह कोठारी आयोग के बारे में हमने यहाँ पे बता रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हमने बता रखा है। ये देखिए 6% ये वो क्वेश्चन आया था ना 6% का, और 10+2+3 का भी ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये नोट्स बना रखे हैं। और दोस्तों क्या आप अदर जो हमारी यूनिट है रिसर्च है आईसीटी है कम्युनिकेशन उनके बारे में जानना चाहते हैं, दोस्तों कल यानी कि हम 27 फरवरी को इवनिंग 3 PM पे एक लाइव मैराथन क्लास लेने वाले 3 घंटे की, उसके अंदर हम ऑल 10 यूनिट के मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में आपको बताने वाले, वो क्लास आप जरूर ज्वाइन करना दोस्तों। उसके अंदर हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको 125+ क्वेश्चन आपको बताएंगे, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वो क्लास होने वाली आप सभी के लिए। उसमें आपका पूरा का पूरा जो पेपर फर्स्ट है उसका रिविजन करेंगे, उसमें हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बताएंगे, प्लस में आपको 5 बोनस भी देंगे दोस्तों। वो 5 बोनस आपके लिए क्या क्या होने वाले हैं, नंबर 1 पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी, नंबर 2 पे दोस्तों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो है उनकी भी PDF दी जाएगी, नंबर 3 पे दोस्तों आपको स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, नंबर 4 पे दोस्तों आपको करंट अफेयर की PDF दी जाएगी, और नंबर 5 पे दोस्तों आपको 10 लाइव मॉक टेस्ट दिए जाएंगे ऐप में। तो इतना कुछ आपको मिल रहा है दोस्तों। तो ये आपको वेबिनार ये जो हमारी मैराथन क्लास है 3 घंटे की 27 तारीख को इवनिंग 3 PM होने वाली, इसे आप जरूर ज्वाइन करना। लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप हमें व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ 8708321010 इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं जी। तो दोस्तों हम आगे क्वेश्चन देखें, आगे हमारे किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जी। आगे और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, हायर एजुकेशन में हमारे किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जी। ये हमारा नीति आयोग है, ये हमारा ये देखिए एजुकेशन पॉलिसी है दोस्तों, एजुकेशन पॉलिसी से भी हमारे 2022 तक क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1948, इसका राइट आंसर है, ये 2019 को क्वेश्चन आया था। और आगे देखते हैं यही क्वेश्चन हमारा, ये देखिए 10+2+3 की संरचना, और इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ये 2018 में आया था 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे देखिए ये 2019 में आया था, और ये देखिए ये हमारा 2022 में, वाओ क्या बात है दोस्तों, 8 अक्टूबर 2022 में भी ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है जी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं जी। अच्छा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन है वो भी हम देखते हैं। इसमें हमारे दोस्तों कुलपति है, ये देखिए यूनिवर्सिटी में हमारा कुलपति होता है, तो कुलपति से हमारे क्वेश्चन कैसे रिपीट हुए वो हम देखते हैं। ये देखिए ये हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आया दिसंबर 2015 में क्वेश्चन आया था, और इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक हेड कौन होता है यूनिवर्सिटी का, तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, वाइस चांसलर इसका राइट आंसर है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये दिसंबर 2018 को फिर से रिपीट हुआ है। ये देखिए एग्जीक्यूटिव रोल इन हायर एजुकेशन सिस्टम, ये देखिए यहाँ पे क्या एग्जीक्यूटिव रोल इन्होंने पूछा हुआ है, और पीछे इन्होंने क्या पूछा हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक हेड कौन था, वाइस चांसलर था। और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव रोल इन हायर एजुकेशन, इसका राइट आंसर भी क्या होगा दोस्तों, वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी राइट आंसर होगा। और आगे देखते दोस्तों, यही क्वेश्चन हमारा 2022 में भी रिपीट हुआ है। ये देखिए दोस्तों 22 अक्टूबर 2022 में चेयरपर्सन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ये देखिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल चेयरपर्सन कौन होता है दोस्तों, ये है हमारा वाइस चांसलर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगर आपको सभी यूनिट के ऐसे पता चल जाए तो पहली बार में आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है जी। और ये देखिए आगे हम एक और टॉपिक लेके चलते हैं, ये देखिए फॉर्मल अथॉरिटी फॉर अप्रूविंग द यूनिवर्सिटी लेवल कोर्स, यूनिवर्सिटी लेवल कोर्स को की अप्रूविंग कौन देती है, कौन सी कमेटी देती है, जहाँ पे भी अकेडमी देखिए शिक्षा की बात आए, जहाँ पे कोर्स की बात आए, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, एकेडमिक काउंसिल, वहाँ पे हमारा राइट आंसर आएगा। और आगे देखते हैं यही क्वेश्चन हमारा 2020 में 18 में 19 में किस तरह से रिपीट हुआ है। ये देखिए 22 दिसंबर 2018 को अथॉरिटी टू अप्रूविंग द कोर्स, कोर्स को अप्रूव कौन करता है, एकेडमिक काउंसिल करती है, राइट आंसर इसका 2 है दोस्तों। आगे हम देखते हैं दोस्तों यही क्वेश्चन हमारा किस तरह से रिपीट हुआ, अपॉइंटमेंट एंड अप्रूवल ऑफ
टीचर, ये देखिए ये है एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ये अलग है दोस्तों हमारी, ये हमारी एकेडमिक काउंसिल नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव है। टीचर की टीचर को अपॉइंटमेंट कौन करता है और उनकी पदोन्नति कौन करता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल करता है। और एग्जीक्यूटिव ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन आया था 2021 में आया है और यही क्वेश्चन हम आगे देखते हैं दोस्तों किस तरह से आया है। ये देखिए आप देख सकते हैं 29 अक्टूबर 2022 को एक क्वेश्चन आया है हमारा। देखिए सिलेक्शन कमेटी फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द फैकल्टी इज अप्रूव बाई, ये देखिए इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, एग्जीक्यूटिव काउंसिल यहाँ पे इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपको सभी यूनिट के ऐसे क्वेश्चन जानना जरूरी है ताकि आपका पहली बार में नेट GRF क्वालिफाई हो जाए, और ये हेल्प आप सभी की हम कर रहे हैं जी। आप कल वाली हमारी मैराथन क्लास जरूर ज्वाइन करना, इस क्लास को आप भूल मत जाना, ये मौका आप मत चूक जाना दोस्तों, ये लाइव क्लास है, आपको बाद में नहीं मिलेगी जी। आगे हम देखते हैं दोस्तों कम्युनिकेशन में हमारे किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं 2022 में। ये देखिए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, काफ़ी तरह के कम्युनिकेशन है, इसमें जो क्वेश्चन रिपीट हुए वो हम देखते हैं। ये देखिए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट आंसर यार ये अभी हमारा चल नहीं रहा, ये चल गया, रुको। बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है दोस्तों, ऑप्शन टू है, ए बी सी इसका राइट आंसर है, ए बी सी सिमेंटिक नॉइज यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। यही हमारा किस तरह से आगे रिपीट हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सिमेंटिक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इज इम्प्लाय वेन, ये देखिए इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन फोर है, सिमेंटिक बैरियर के बारे में इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया। और पीछे वाला क्वेश्चन आया था हमारा 2019 में 21 जून को और ये आया 24 जून को। आगे हम देखते हैं यही क्वेश्चन हमारा 2021 को भी आया दोस्तों, ये हमारा साइकोलॉजिकल नॉइज के बारे में पूछ लिया यहाँ पे इन्होंने, और सिमेंटिक के बारे में भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारा आया दोस्तों 2022 को आया, 8 अक्टूबर 2022 को ये क्वेश्चन आया है हमारा, सिमेंटिक बैरियर के अंदर क्या होता है, ऑप्शन फोर है दोस्तों, ये हमारा इसका राइट आंसर है। अब देखिए बात ये आती है कि इनके बारे में हम जानेंगे कैसे, भाई इनका मतलब क्या है, सिमेंटिक बैरियर क्या है। इसके साथ साथ दोस्तों हमने यहाँ पे नोट्स भी दे रखे हैं, हमारी लाइव मैराथन क्लास होगी उसके अंदर हम आपको ये समझाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके भी बताएंगे। ये देखिए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमने चार्ट बना रखे, चार्ट के जरिए हम आपको हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे कि इसका जो आंसर है ये किस तरीके से आया, क्यों आया है, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ग्राफिक्स के जरिए आपको बिल्कुल इजी भाषा में समझाने की कोशिश हमने की है, और कल की क्लास दोस्तों मिस मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जी। ये देख सकते हैं आप सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों हमारे किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और सिमेंटिक नॉइज से रिलेटेड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इससे भी हमारे क्वेश्चन रिपीट हो, बहुत क्वेश्चन है यार, एक वीडियो के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन दिखा पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए दोस्तों हम 3 घंटे की लाइव क्लास ले रहे हैं। अच्छा एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, रिसर्च एप्टीट्यूड में हमारे किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये देखिए स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग आपने देखा है, बहुत बार देखा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी हमारी, वो हमें यहाँ पे बतानी है जी। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ये मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाई हुई है, इसका राइट आंसर डी है दोस्तों, डी में 2, 3, 5 में ये देखो यहाँ पे हमारा कोटा सैम्पलिंग है और हाँ जी कोटा सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग नहीं है इसके अंदर नॉन प्रोबेबिलिटी में। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से किस तरह से हमारे क्वेश्चन रिपीट हुए वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये हमारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया जी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर क्या ऑप्शन 3 है, 3 में सी और यहाँ पे ई है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग जी। अब देखिए ये आया हमारा 2020 को आया है और यही क्वेश्चन हमारा आगे किस तरह से रिपीट हुआ, ये देखिए 2012 में आया ये क्वेश्चन, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है। और 2022 में मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ किस तरह से रिपीट हुआ है। ये देखिए ये हमारा 2019 में आया, ऑप्शन टू है इसका, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों यही क्वेश्चन, ये देखिए 20 अक्टूबर 2022 शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आया हमारा, हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन हो तो हमारी किस तरह की सैम्पलिंग यूज होगी। ये देखिए इसका राइट आंसर 2 है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब देखिए हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन है तो हमारे किस तरह की होगी, यही डिट्टो कॉपी क्वेश्चन दिखाऊं मैं आपको,
पहले आया हमारा 2019 के अंदर आया। ये देखिए दोस्तों, ये रहा इन द केस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च इज हिटरोजीनियस, ये क्वेश्चन आया था दोस्तों हमारा 2019 को, और सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है 2022 को। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से हमारे एग्जाम में भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और यही हम आपको ऑल 10 यूनिट के 125 क्वेश्चन कल दिखाने वाले हैं 27 फरवरी को इवनिंग 3 PM जी। तो उसके लिए आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए दोस्तों, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, उसका रजिस्ट्रेशन जल्दी कर लेना क्योंकि वो क्लास हम अदर प्लेटफॉर्म पर लेने वाले हैं, यूट्यूब पर नहीं लेंगे जी, जूम पर लेंगे। और जूम पर वहाँ पर क्या है, लिमिटेशन होती है, वहाँ पर हम 200 स्टूडेंट को ही वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट को ऐड नहीं कर सकते। पेड सब्सक्रिप्शन हमने लिया हुआ है तो उसमें कुछ लिमिटेशंस वगैरह है, कई हमने पेड सॉफ्टवेयर लिए हुए हैं जी। तो इसलिए ये स्लॉट जो है आप अभी बुक कर लेना, उसके बाद में क्या पता आपकी सीट रहे या ना रहे तो हम कह नहीं सकते जी। तो आप अभी इसको ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप हमें व्हाट्सएप नंबर 8708321010 पे मैसेज करना भाई, ठीक है। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।